नालागढ़ कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हुसैन चंद ने नालागढ़ के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल अध्यक्ष ने नालागढ़ के पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर द्वारा किए जा रहे उद्घाटन को लेकर नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व विधायक क्षेत्र में उद्घाटन कर निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। क्षेत्र में चल रहे खनन पर बोलते हुए कहा कि खनन को रोकने में प्रशासन की पकड़ ढीली हो रही है। जनहित की समस्याएं मुद्दे थे, हमने सोचा कि आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके ऊपर आपके साथ कुछ थोड़े विचार साझे करें और जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी और जो भी यहाँ की लोग जनहित की बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति का स्तर है इतना नीचे गिर गया है जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। मैंने देखा पिछले कुछ अरसे से लोअर लेवल की राजनीति पे यहाँ के नेता उतर आए हैं, चाहे गलियों की बात कर लूँ, चाहे नालियों की बात कर लूँ, चाहे ट्रांसफार्मर्स की बात कर लूँ, जो उद्घाटन लेवल की चीज़ें नहीं हैं उनके भी उद्घाटन किए जा रहे हैं। इवन कि हमने अपनी पार्टी के जो हमारे नेता है, हमारे विधायक हैं, उनसे पीछे मैंने डिस्कस की, मैंने उनको बोला यार ये हमारे लेवल के नहीं है, हम इनके उद्घाटन नहीं करेंगे। पर लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से करने लगे तो ये आपस में बड़ा कंट्रोवर्सी वाला मसला है। ये लोअर लेवल की बातों पे इसे इतनी लोगों का मजाक बनकर मतलब ये चीज़ें रह गई है, लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। मेरा इनसे अनुरोध है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं यहाँ के, कि आगे आने वाले समय में ऐसे जो लोअर लेवल की राजनीति है वो ना करें। आम जो लोग जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाएं, जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी ऊपर और ध्यान करें। तो बाकी आपको पता है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जितने काम हमारी कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुए मेरे ख्याल है उनके मुकाबले में एक भी कोई काम गिना दें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके हिसाब से इन्होंने कोई काम किया हो। जब राजा वीरभद्र की सरकार थी, आप लोगों को पता है नालागढ़ चुनाव क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, चाहे रामशहर में तहसील बनाने की बात थी, चाहे कॉलेज बनाने की बात थी, नालागढ़ में RTO का ऑफिस खोलने की बात थी और पंजारा में सब तहसील खोलने की बात थी। आम जनहित के जो काम थे वो हमारी गवर्नमेंट में, हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी ने वो किए। और उसके बाद मुझे बड़ी हैरानी की बात होती है, जो यहाँ की बड़ी योजनाएं हैं जब वो तैयार हो जाती हैं तो यहाँ के स्थानीय जो लीडर है वो उनका उद्घाटन कर। एंस्टा न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।